एक कोई भी चारों में से कोई उठ जाओ जो बहुत वो हो। नहीं नहीं यहाँ नहीं आना, सामने ही रहना। ये तो हम जिनको बुला रहे, हो सकता ये हमारे आदमी हो, शायद हो सकता जिनकी हम अर्जी लगा रहे हैं उनको पहले बैठा दिया हो। अब इस बच्ची के बाद हम पर्चा बनाएंगे, पर्चा हम पहले से बनाकर रखेंगे, पहले से लिख कर रखेंगे। 2.5-3 लाख लोगों में आप जिसको उठाएंगे उसी का पर्चा निकलेगा। भाई यहां तक तो हो सकता कि ऐसा है नहीं, खैर बहुत लोगों ने शोध किया हम पर कि हमारे दरबार में एकदम स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी हम पर्चा लिखेंगे बिफोर टाइम, पहले से पूरा। अब वो क्या बोलेगा, क्या बात बोलेगा, ये भविष्य पर निर्भर है। पर 2.5 लाख लोगों में पुरुष स्त्री बालक वृद्ध आप जिसको लाएंगे उसका पर्चा निकलेगा। ये कैसे होगा लगाना अपनी बुद्धि, पहले हम बिटिया का बना लें, इसके बाद अभी आप खड़े हैं। माइक लो। हर महादेव। महादेव कहाँ से हो? काशी विश्वनाथ जी के पास रहते हैं। अरे वाह, भाग्यशाली हो, अच्छे से ठीक से बैठ जाओ। तो किसने बताया आपको दरबार के बारे में? महाराज जी हम यूट्यूब पे ही देखते थे, फिर धीरे धीरे बालाजी के संगत में आए, फिर आपसे सुनते कथा सुनते थे। अरे फिर हमें लगा कि जिस दिन हमने मतलब लगा मन से कि हमें जाना है, आप खुद ही उस दिन समाचार आ गया कि आप यहीं पे आएंगे। अरे वाह जी, बहुत पहले काशी आए थे तब प्रण ले लिया था। बोलो क्या विषय? जी मैंने UPSC का एग्जाम दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी क्लियर सफल नहीं हुआ है। जी एक प्रश्न और लिखा है, दो आए हैं आपकी पर्चा में। जी मेरी माँ की भी तबीयत खराब है। घर पर कृपा होगी, माँ स्वस्थ होगी, दरबार में जॉब की अर्जी लेकर आप आई हैं, मनोरथ पूर्ण होगा UPSC में, घर में आज से ही सुख शांति बनी रहेगी, आशीर्वाद गुरुदेव महाराज की जय। यही लिखा है जी? बराबर बिल्कुल। खूब भक्ति करो, बालाजी कृपा करें जी, आशीर्वाद। गुरुदेव जी एक और है कि मेरा भाई एक्टिंग लाइन में जाना चाहता है, तो क्या वो सफल होगा? जी मेरा भाई एक्टिंग की लाइन में जाना, भाई एक्टर बनेगा, अभी कमजोर है तैयारी। जी अभी तो यही तेज करवाएं जी, हमें पता था पूछो। बालाजी महाराज की जय। उसे एक बार दर्शन करवा देना जी, अभी तैयारी उसकी बिल्कुल कमजोर है जी। माँ को लाना है जी, माँ के पूरे शरीर में दर्द बनता जी, पूर्व में इन्फेक्शन बना था जी, जी पूर्व में इन्फेक्शन बना था, डॉक्टर ने इन्फेक्शन घोषित किया जी, था। अब वर्तमान में कंट्रोल है, खून की दिक्कत इन्हें बार बार बन जाती है। एक बार इन्हें बागेश्वर बालाजी के दर्शन करवाइए, कोई भी भूत बाधा तंत्र बाधा नहीं है, थोड़ी सी मसान की दिक्कत जरूर आई है, अब वो स्थान का मसान हो सकता है। तो माँ जब धाम पर पहुंचेंगे, चूंकि सांप के रूप में नाग के रूप में निकलता भी है वो मसान, तो माँ जब धाम पर पहुंचेंगी उसे बंधवा दिया जाएगा, आशीर्वाद। गुरुदेव जी की जय, बालाजी महाराज की जय। जय पत्रकार महोदय, खूब खुश। पत्रकार महोदय, आचार्यों में भी संत जी, संतों में जो ध्वज लिए आगे बैठे, वो ध्वज वालों के आगे हैं जो, आप दाढ़ी वाले महात्मा जी को भेज दे। हाँ हाँ हाँ, इनको भी बुलाया जी। धन्यवाद धन्यवाद, बस भैया धन्यवाद, हमें एक आपा पड़ा था, हम तो नालायक हैं। विश्वनाथ जी के पड़ा देखो तो माचिस लोटरी तुम्हें। अरे नहीं, बस भैया बस, हनुमान जी के पड़ो, उन्हें धन्यवाद दो, बालाजी को धन्यवाद दो, हमें मत दो। अरे बैठो, माइक माइक, ना 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 ना, हम गद्दी पर बैठे, अभी पहले माइक लो, पहले अपनी चर्चा हो जाए, पहले जिसके लिए बालाजी भेजे हैं बस यही भेजे हैं महाराज जी, हम करेंगे बाद में, बाद में करेंगे, नजदीक आओ। महाराज जी आप तो हमको धन है, आप महाराज जी, आप अब हम रात दिन आपके सेवा में लगे हैं महाराज जी, आप हमको ऐसा अद्भुत माया दिए थे 1.5 महीना पहले, मैं अपने धर्म पंडित जी से बताया था महाराज जी, हमको प्लेट में कपूर लिया के दिए थे, हमको पूजा बालाजी की करते रहिए, हनुमान जी के मैं बहुत पूजा करता हूँ,
7 साल पहले हमको गंगा जी में मैं बुड्ढी मार रहा था, तब हनुमान जी माँ गंगा के माता रानी से बोला, हे माँ, माँ शीतला माता को मल्लाह को मिली है, हम भी मल्लाह हैं, हमको भी माता रानी आप हमको दे दीजिए, हमको कोई चमत्कार दे दीजिए, हम भी सेवा करें। मैं बुड्ढी मारा घाट पर जाके, 80 मतलब सामने घाट के बगल में एक घाट है, क्या नाम मेरी ओ मतलब नहाने वाला घाट है। तो महाराज जी हम उचिन बुड्ढी मारे, हम क्या हैं माता जी, हम पताल से बुड्ढी मार रहे हैं, पताल के अंदर कोई भी हो, शक्ति हमारे हाथ में आ जाए, पताल फट जाए, पृथ्वी के अंदर से मैं बुड्ढी मारा, एकदम मैं पृथ्वी के अंदर चला गया। हनुमान जी मैं बुड्ढी मार के निकला ऊपर से, मैं अंदर से मैं मेरे अंदर बहुत मैं कांपने लगा, अंदर मैं श्री हनुमान जी का नाम लिया, मैं तुरंत बाहर निकला, मैं बाहर निकला, माँ गंगा हमको क्या दे रही हैं आप, तुरंत ऐसे हमको देखे हनुमान जी की मूर्ति हमको हाथ में मिली, मेरे गांव वाले हमको हमको बुरा मानने लगे, अरे सुकेश तुम गए अंदर लेके जेबा में भर के गए थे बुड्ढी मारने, हम महाराज जी कुछ नहीं पहन रहे थे। ठीक है, आओ, हम तुरंत प्रणाम किए महाराज जी, बातें बाद में कर लियो, आज पूरी बड़ा चैन। अरे हम काशी के शिवपुर के रहने वाले दानियाल, कहां से हो? दानियालपुर के काशी के शिवपुर के रहने वाले हैं हम, बहुत दस हम काशी के निवासी हैं, 7 साल पूजा हम किए हैं लगातार, हनुमान जी का बालाजी की कृपा हो गई हमारे ऊपर। महाराज जी हम क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं आपका चरण का पानी पीना, अरे बस, और हम कुछ नहीं चाहते हैं महाराज जी, हमको कुछ नहीं कमी है जीवन में, आपका चरण का पानी पीना है। मैं सोचा था बार बार गुरु जी की चरण का पानी मैं पी लूं, मैं सबसे बड़ा भाग मेरा भगवान का चरणामृत पियो हम तो। अरे भगवान आप बालाजी की स्वयं अवतारी हैं, आप मन में जान जाते हैं, आप मन पढ़ते हैं महाराज जी, हम आपके हमको आप खुद मिले। फिर बाद में सभी कार्य सफल हों, साधना कृपा चाहते हैं, आशीर्वाद हनुमान जी का रहेगा तथा दरबार में अर्जी उनकी कृपा की प्राप्त करने की लेकर आए हैं, आर्थिक उन्नति, मानसिक तनाव सही रहे, मानसिक स्थिति ठीक रहे, भगवत भक्ति मिले, वह सदैव चरणों से जुड़े रहेंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद। महाराज जी की बालाजी की जय। हमारी औरत भी आई, सुमन नाम है महाराज जी, हमारा लड़का परिवार मेरे घर के सब लोग आए हैं, पूरे परिवार पर जो है कृपा। मैं अपने गांव के पूरी मनाए थे, पूरी गांव शांति रहे, पूरी हर घर में अगल बगल सबको मनाए थे, मैं अपने बदे मना ही नहीं थी, मनाए दरबार की बात। अब प्रणाम कर लो जल्दी, खुशी रहे, बस 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 टूट जाए पाँव बेटा, मोह अब पराए घरे भी जाने, खुशी रह, ले ले ले, खुश जय हो, जा आशीर्वाद, मोह अब पराए घरे भी जाने, खुशी।